राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 15 सितंबर को जयपुर में बापू अधिकारी रैली का जहां आयोजन किया जाने वाला है, वहीं इस रैली को सफल बनाए जाने के तहत सोमवार को इस महासंघ से जुड़े कर्मचारियों द्वारा बापू जागृति रैली का आयोजन अलवर शहर में किया गया, जिसके तहत कर्मचारियों ने वाहन रैली निकालते हुए आगामी दिनों में होने वाली बापू अधिकारी रैली को सफल बनाए जाने की मांग कर्मचारी महासंघ के सभी सदस्यों से की। इस दौरान महासंघ से जुड़े प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकेश वशिष्ठ ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को होने वाली बापू अधिकारी रैली में कर्मचारियों के हितों में ग्रेड पे 3600 किए जाने सहित सचिवालय के समान वेतन मानदेय व पंचायत से जुड़े कर्मचारियों को उच्च पदों पर आवंटन किए जाने की मांग की जाएगी। यदि सरकार 15 सितंबर को आयोजित 22 गोदाम से मुख्यमंत्री निवास तक होने वाली इस रैली के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर कर्मचारी महापड़ाव भी डाल सकते हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 15 सितंबर को हम जयपुर में एक बाबू अधिकार रैली निकाल रहे हैं। उसकी जागृति के क्रम में आज बाबू जागृति रैली का दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम नंगी सर्किल से मन्नी का बड़ा अशोका टाके जो होते हुए लादिया गेट कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। आगामी आगे क्या कार्यक्रम? 15 सितंबर को हमारा जयपुर में बाबू अधिकार रैली है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग यहाँ से चले, मंत्रालय कर्मचारी यहाँ से चले, उसकी जागृति के लिए आज रैली निकाली जा रही है। 15 सितंबर को हमारा जयपुर में 22 गोदाम पुलिया से और मुख्यमंत्री आवास तक महारैली का आयोजन किया जाना है, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जानी है तो हम वहीं पर महापड़ाव देंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं आप? ग्रेड पे 3600, सचिवालय के समान वेतन भत्ते। इस सरकार जो पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उस समय हमारा 26,000 उच्च पदों का समझौता इनके साथ हुआ था, जिसमें 15,000 पद हमें दे दिए गए थे, 11,000 हमारे आज भी बकाए हैं, उन पदों की पुनः बहाली की जाए और इसी के साथ पंचायत राज को भी उच्च पदों के आवंटन किया जाए। ये मुख्य बात, और वेतन कटौती।